भिवानी में बापोड़ा के बाईपास पर दुर्गा जेनिंग फैक्ट्री में आज भीषण आग लग गई। हादसे में एक मजदूर के झुलसे जाने की खबर है। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई थी। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं लग सका है। एक मजदूर जो बहुत बुरी हालत में झुलस गया था, उसके पड़ोसी उसको फैक्ट्री से निकालकर भिवानी के नागरिक अस्पताल में इमरजेंसी में लेके आए। इमरजेंसी में उपस्थित डॉक्टर विकास ने बताया कि एक मजदूर किसी कॉटन मिल में झुलसने से यहाँ आया है। ज़्यादा झुलसे होने के कारण उसको प्राइमरी उपचार देकर और उसके MLR कटाकर उसको रोहतक रेफर कर दिया गया है। मरीज आया है जिसको कॉटन फैक्ट्री में काम करते टाइम आग लग गई ना, उसके बहुत ज़्यादा बर्न होने के कारण प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया है और प्राथमिक उपचार के बाद उसको हम रोहतक PGI रेफर कर। तो सर क्या सूचना मिलती कि कितने पेशेंट हैं? अभी हमारे पास तो एक ही पेशेंट आया है, बाकी उसके बारे में नहीं पता कितने पेशेंट। MLR कर दी? हाँ, MLR कर दी, अभी पुलिस को बेलतिया कर दिया, बाकी रेफर कर रहे हैं। पूरा नाम क्या लेते हो? आप पूरा नाम क्या लेते? विकास। थैंक यू। तो वो कपास मशीन चल रही थी, कैसे एकदम लगी एकदम भर्ती यहाँ से? कितना नुकसान है? नुकसान तो काफ़ी था, नुकसान तो बहुत ज़्यादा थी, गाड़ियाँ भी अंदर थी। तो कितने कितने कर्मचारी वहाँ काम कर रहे थे? कर्मचारी जो थे हम पड़ोसी है, वैसे तो हम तो भागे भागे गए इसको ले उधर से निकाल कर। क्या नाम है इसका जी? कहाँ का? विजय कुमार जी। कहाँ का रहने वाला? ये UP का है। तो डॉक्टर ने क्या डॉक्टर ने इसको रोहतक रेफर किया?